लाइक और लाइक चैनल को सब्सक्राइब आगे तक पहुंचाए। महीने से अभी बेरोजगार है तो घर पे बोर हो गए थे, लेकिन आज बायो के साथ आके मन को संतुष्टि मिली आज। जोहार फ्रेंड्स, वेलकम माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, आज हम हमारे दोस्तों के साथ आए हुए हैं, ये बांसवाड़ा के बेस्ट लोकेशन है साचा कोटा करके, तो भाइयों के साथ वहाँ पे घूमने हुए। और हमारे साथ हमारे कुछ भाई लोग, सुरेश भाई और ये सब भाई लोग। तो चलो आगे आपको और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे लोकेशन दिखाते हैं। अरे भाई, फोटो का भी शुरू होगी क्या अभी से? लाइन टू लाइन सब ब्लॉग में अभी से नहीं खाते। अरे ब्लॉगिंग बाद में कर लेना, यहाँ आपके फोटो खींचने हो तो खींच लो। ओके सर। ओके, तो ये हमारे सभी भाई लोग हमारे साथ हुए हैं। और ये लोकेशन किसने ढूंढा स्पेशली? योगेश भाई ने। तो हमें यहाँ पे योगेश भाई लेके आए हुए, हालांकि हम तो यहाँ पे पहली बार आए हुए, लेकिन यहाँ के हमें ये लोकेशन बहुत अच्छा लगा, तो भाई को स्पेशली थैंक यू। तो चलो फ्रेंड्स, अभी ब्लॉग के साथ बने रहिएगा, और भी आगे हम उधर नीचे जाने वाले हैं। बहुत मस्त ब्यूटीफुल यहाँ पे लोकेशन है, तो आपको वो लोकेशन दिखाएंगे और भी। तो फ्रेंड्स, अभी हम हैं बांसवाड़ा के एक शानदार लोकेशन पे, ये चाचा कोटा करके एक लोकेशन है मस्त। तो आज फ्रेंड के साथ यहाँ पे घूमने के लिए आए हुए हम, एक भाई ने मूड बना लिया तो भाइयों के साथ आगे हम। ए भाई, चलना। और हमारे कुछ साथी कैमरा भी लेकर आए हुए, तो अभी यहाँ पे फोटोग्राफी वगैरह भी होगी। कम बैक भाई, चलना। ए भाई, मोस्ट ब्यूटीफुल लोकेशन, इंग्लिश में बोले तो। हाय गाइस, हेलो। तो फ्रेंड्स, ये है बांसवाड़ा का बेस्ट लोकेशन चाचा कोटा करके, ये माही नदी बताए। योगेश भाई, माही नदी है क्या ये? ओ योगेश भाई, माही डैम है। हाँ, माही नदी नहीं। अच्छा, माही डैम का नजारा है। अच्छा, माही डैम वहाँ पे ना, तो ये पूरी माही डैम का नजारा है। माही नदी डैम है, ये डैम नदी तो आ रही है। जो यहाँ पे टापू बोलते हैं वो उस तरफ नीचे टापू भी बना हुआ है। चलो इधर चलते हैं, थोड़ा आगे आपको इधर का लोकेशन दिखाते हैं। तो ये कुछ गार्डन वगैरह बना हुआ छोटा सा टूरिस्टों के लिए, बेस्ट लोकेशन यहाँ का। बेटा इधर देखो, कहाँ गए? इधर गाँव की हो? तो यहाँ हमारे स्थानीय गांव के कुछ अच्छे लोग हैं। अच्छा, इनोवा नाव का रास्ता बता। बेटा नाव कहाँ पे मिलती है? नीचे, हाँ नीचे जाती है। ओके, थैंक यू। नाम क्या बेटा तुम्हारा, क्या नाम है आपको बेटा? पूजा। ओके, मोटर वाली भी नाव में बैठ सकते हैं, वैसे लकड़ी वाले में बैठ सकते हैं, दोनों नाव में।
अरे बेटा कैमरा ने हूं मुसीबत है ना आई क्या फोटो के सारे वो सामने आपको वहाँ पे दिख रहा होगा वहाँ पे है माही डैम और ये माही डैम का नज़ारा कुछ इस प्रकार। यहाँ पे घर भी बना हुआ है हमारे आदिवासी भाइयों के, नीचे घर है देखो। तो हमारे आदिवासी भाई पहाड़ों के बीच में रहते हैं, तो कितना शानदार लोकेशन है देख लीजिए आप। और वहाँ पे हमारे पितृदेव के कुछ सिरे वगैरह भी लगे हुए हैं, बहुत ही शानदार लोकेशन यहाँ का। ये पीछे है पूरा माही डैम और यहाँ पर आसपास में हमारे आदिवासी भाइयों के घर भी बसे हुए देख लीजिए। तो शहरों से तो गांव वाकई में बहुत अच्छा है, भले ही हम पहाड़ों में रहते हैं लेकिन बहुत अच्छे लोकेशन पर रहते हैं, प्रकृति के बीच हरे भरे घास और पूरा ठंडा सा माहौल। तो ये बांसवाड़ा का बेस्ट लोकेशन दोस्तों, के पीछे देख सकते हैं आप चासा कोटा लिखा हुआ है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा ऊपर चढ़ के आपको और यहाँ का अच्छा लोकेशन दिखाते हैं। हमारे भाई लोग सब अभी फोटो खींचने में व्यस्त हैं। तो भाई लोग तो अभी फोटो खींचने में व्यस्त हैं, देख सकते हो यहाँ पे कोई पोज दे रहा है तो दो तीन लोग वहां पे। चलो आपको यहां से और थोड़ा लोकेशन दिखाते हैं, एक बार थोड़ा और पूछ जाते हैं। थोड़ा आपको यहां ऊपर से दोस्तों लोकेशन दिखाते हैं, ये चाशा कोटा का लोकेशन। सामने वहाँ पे माही डैम बना हुआ है और ये पूरा माही डैम का नज़ारा, बेस्ट लोकेशन। और यहाँ पर छोटे छोटे हमारे आदिवासी भाइयों के घर भी है देख लीजिए चारों तरफ, बेस्ट लोकेशन यहाँ का। हमारी गाड़ी वहाँ पे खड़ी है फिर उधर से आया, और ये हमारा भाई जो हमारे साथ में आए हुए, बेस्ट लोकेशन यहाँ का। तो हमें फ्रेंड्स ये लोकेशन बहुत अच्छा लगा और यहाँ आके मन खुश हो गया। बट उधर ले जल्दी करो जल्दी। बस वाला बेस्ट लोकेशन चाचा कोटा। ये पानी तो पिला यार, गरम से की तो जय वैसा पानी पिलाओ यार, पानी पिलाओ यार। क्या ये पापा पानी, ए हेमा पानी पिलाओ। ए लेना ले यार, रही जो कोई पानी भी नहीं पिला रहा है दोस्तों। चलो आगे चलते हैं। अभी हमने अभी की है पार्किंग और यहाँ से कैमरा वाले भाई नीचे जाना है। चलो अभी नीचे चलेंगे, कैमरा वाले भाई है एकदम डीप में। मच्छी अच्छी है क्या? मच्छी में हम टापू पे जा रहे हैं और दोस्तों के साथ, गाड़ी यहाँ पर खड़ी है। अच्छा अच्छा, और बताओ और कुछ? तो बहुत नजारा तकड़ा है यहाँ तो बहुत। और यहाँ की कुछ खास बात बताओ, बहुत खास सामने आ रहे सामने आ रहे। तो हमारे सुयोग जी क्या कहना चाहते हैं ब्लॉगिंग में? कुछ बोल बोल बोल, क्या बोलेगा सुयोग? अभी बोलना सीखा नहीं है। तो चलो फ्रेंड्स वीडियो के साथ बने रहिएगा, अभी हम नहीं अभी ले जाने वाले हैं। इसको भी ले लिया यार, अच्छा नहीं लगता। अरे अरे भैया थोड़ा धीरे चलो यार, क्या फास्ट जा रहे हो। बेस्ट लोकेशन। तो अभी हम थोड़ा वहाँ आगे ऊपर वहाँ पे थे और वहाँ से अभी नीचे आए हुए। यहाँ आसपास में हमारे आदिवासी भाइयों के घर बने हुए हैं और हमारे आदिवासी भाई प्रकृति के बीच अपना जीवन यापन करते हैं, बहुत ही शानदार।
ऐसे इलाकों में केवल आदिवासी रह सकते हैं, ये तो सब लोग जानते हैं। इसलिए दोस्तों कहते हैं शहर से गांव कितना अच्छा होता है, आज आपने देख ही लिया होगा ना। वॉइस ओवर नहीं अभी, आज तो साथ में कर रहा हूँ, बाद में वॉइस ओवर नहीं करनी, घर पे जाकर टाइम मिलेगा नहीं। अरे भाई कितनी फोटोग्राफी करेगा सीरियस तू, आया तब से फोटोग्राफी में लगा हुआ है। अच्छा बारिश के टाइम लगभग यहाँ तक पानी आ जाता होगा नहीं, अभी पानी वहां पे है लेकिन बारिश के टाइम लगभग यहाँ तक पानी पहुंच जाता है, ये देख लीजिए आप, देख सकते हो लगभग, क्योंकि यहाँ पे पानी के निशान है तो पानी पूरी तरह से यहाँ तक बह जाता होगा। बेस्ट लोकेशन इन बांसवाड़ा चाशा कोटा, इसीलिए बांसवाड़ा को कहते हैं टापुओं का राजा शहर। बोट भी आ गई है, कहाँ बोट? नई बोट, लाल वाली है, ब्लैक वाली है। हाय गाइस, सुरु बाबा बोल रहे हैं। क्या बात की, सुरु बाबा बोल रहे हैं। वाह मौज को दी बांधने तू, आज तो मौज हो गई पूरी मौज। ओहो क्या बात की, इतना है क्या? हीरो भाई बोट में बैठना है क्या? क्या यार कोई सुन ही नहीं रहा। पैसे नहीं है भाई इसलिए पूछ रहा हूँ मैं, समझा? कोई बिठाता है तो मैं आपके साथ बैठूंगा, हम रहे गरीब ब्लॉगर और बना रहे ब्लॉग। हाँ क्या बोल रहे हैं? अरे भाई क्या बोल रहे हैं यार? नहीं आगे बोल रहे हैं यार। अच्छा दूसरे का है? अरे बोर्ड देख तो आते हैं यार, कितने सीटर है? 8-9 सीटर है लगभग। अरे बारिश आने वाली ऐसा लग रहा है, अकेले अकेले खा जाओ सब। क्या लेके आए थे? क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे? अकेले अकेले खा जाओ क्या? ये वो क्या खा रहा है, क्या पूछ रहा है? जिमने के लिए आया, बैठ गया जिमना क्या? क्या ले खाने में, क्या लेके आयो? पेप्सी। तो हमारी अभी पेप्सी पार्टी होने जा रही है। सुबह बाबा सुबह। तो अभी ये हम थोड़ा ऊपर से यहाँ नीचे आए और ये माही डैम नदी का नजारा, और अभी हमारे भाई लोग सभी थक गए तो थोड़ा आराम वगैरह कर दे। यहाँ पे अभी हमारी थोड़ी सी छोटी सी पेप्सी पार्टी होगी, फिर यहाँ से वापस चलेंगे। हाँ बस आ रहा भाई, ये भाई चलो ना यहाँ अंदर जाना, जाओ टाइम होता, घर के लिए निकलना भी पड़ेगा। फोन मेरे पास ही भाई, मेरे पास ही। तो फ्रेंड्स अभी थोड़े दिन तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे लगभग पूरी शेयर कर ली और यहाँ बहुत मौज मस्ती भाई हमारे साथ। और ये भाई पानी के अंदर जा रहा क्या? अरे आप शाम के टाइम बहुत अच्छा ना। तो फ्रेंड्स अभी थोड़ी देर यहाँ पे ये भाई लोग अभी अंदर जा रहे हैं पानी के अंदर, तो अभी थोड़ी देर यहाँ पे रुकेंगे। थोड़ा और गहराई में जाऊँ? अरे गहराई में जाओ, क्या डर रहे हो यार?
आदिवासी होके डर रहे हो? ये भाई आदिवासी गांव में थोड़ी खबर है। थोड़ा आज गेम में जाओ, जाओ जाओ, ए जान थोड़ा जाओ, थोड़ा जाओ, थोड़ा और राजा आए जाए भाई। अरे अब पेंटो आने के बता गवाही ना, पेंटो थोड़ी हुई है। अरे मंदिर पर अरे ना के बात बहुत कर ले तो भाई, अल्लाह आगे बन चल। अरे अच्छा अब आए जाओ जाओ, मजा आ जाएगा। डूब जाओ थोड़ा। तो फ्रेंड्स अभी हमारा व्लॉग लगभग यहाँ पे खत्म होने वाला है, क्योंकि हमारा भाई लोग अभी थोड़ा पानी की गहराई के अंदर जाने वाले हैं, उनको थोड़ा अंदर जाने में बहुत मजा आ रहा है। तो अभी मेरे मोबाइल के अंदर चार्ज भी नहीं है, तो आज के इस व्लॉग को लगभग मैं यहीं पे एंड करने वाला हूँ, क्योंकि इसके आगे मैं शूट कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे मोबाइल के अंदर चार्ज है नहीं। तो भैया कैसा मजा आया नहीं अबे? बिल्कुल सर, कितना कितना मजा आया, कितना बहुत मजा आया। ये क्या होता है, ऐसा करो कैसा मजा आया? लाइक और लाइक चैनल को सब्सक्राइब आगे तक पहुंचाए भाई। आप कुछ तो बोलो, ये क्या होता है सब्सक्राइब भाई। यहाँ पे हमें आज बहुत मजा आ गया, और भाइयों के साथ आकर एक कहे तो मन को बहुत संतुष्टि मिली। हम लगभग एक महीने से अभी बेरोजगार है, तो घर पे बोर हो गए थे, लेकिन आज भाइयों के साथ आके मन को संतुष्टि मिली। आज संतुष्टि मिली पूरी, आगे संतुष्टि मिली, सच्चाई संतुष्टि नहीं मिली। बहुत दिन तुम्हें कह रहा था घूमने जाना है, अब यहाँ आके मन खुश हुआ, मना बोल रहा है, ऐसा नहीं होता है। एक नंबर मजा आया, मन तो खुश हो गया। तो चलो फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि अभी हमें घर पे भी जाना है, टाइम वगैरह भी हो गया। ये भाई मगर मजा आ रहा है। तो चलो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ, लेकिन भाई लोग बोल रहे थोड़ा देर चालू रखो ब्लॉग, तो उस कारण से ब्लॉग अभी खत्म नहीं कर रहा हूँ। लेकिन चलो अब एंड टाइम आ गया, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। तो इस व्लॉग में बस दोस्तों इतना ही, और नए व्लॉग में कुछ और नया लेके मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को बाय जोहर। और दोस्तों, आपको एक बार फिर यहाँ थोड़ा पीछे का लोकेशन दिखा देते हैं। आप देखिए, यहाँ चारों तरफ छोटे छोटे टापू है, इस कारण से बांसवाड़ा को टापुओं का शहर कहा जाता है। तो ये बांसवाड़ा का चाचा कोटा लोकेशन है। आगे है माही डैम, और ये माही डैम के पीछे का नज़ारा है। तो अभी पानी इतना है नहीं, लगभग बरसात के दिनों में वहाँ ऊपर तक पानी चला जाता है। तो चलो दोस्तों, मैंने आपको ये पूरा लोकेशन अब दिखा दिया, तो इस ब्लॉग को अब यहाँ पे ख़त्म करने का टाइम आ गया। तो चलो फ्रेंड्स, बाय। और नए ब्लॉग में कुछ और नया लेके मिलेंगे, तब तक के सभी को जोहार। चलो गया भैया, ये एक घंटे से यार फोटोग्राफी हो रही है, क्या नाटक है? चलो भैया, चल रहे बका यार, ए पिए चल रहे भाई, एक घंटे से फोटोग्राफी हो रही है, चल रहे योगेश भैया, योगेश भैया चल रहे, एक घंटे से फोटोग्राफी, एक घंटे से फोटोग्राफी हो रही है, मुझे चल रहे बका यार, ये तो चल रहे, इधर नहीं घर पे जा नहीं है। अरे एक सिंगल ले भी थी लवा दो ने यार। अरे एक घंटे से फोटो लेने का, मैं निकल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। अरे चलो यार, घर पे जाना ही क्या यार? चलो भाई, घर वाले डांटेंगे। चलो यार, तुमको रील बनाने की पड़ी है, फोटो खींचने की पड़ी है, ये होता है दोस्तों के साथ। आए तो यहीं पे लगभग शाम की 6 बज चुकी है, और घर पे जाने का अभी तक कोई ठिकाना है। ये भाई लोग फोटो खिंचवाने में पड़े हुए। ये भाई चलो, मैं इस ब्लॉग को अब यहीं पे एंड कर रहा हूँ, मेरे को निकलना घर पे। ये चलो योगेश भाई, चलो ना यार, चलो चल रहे, शुरू हुआ, चल रहे, चलो भाई चलो, अपन दोनों निकलते हैं। और कैमरा अपना ये रहा, ये रहा, हम दोनों जा रहे हैं। आना होता मैं तो जा रहा हूँ, फ्रेंड्स मैं आपको लगभग 10 से 15 बार बोल चुका हूँ कि ये व्लॉग यहीं पे एंड करने वाला हूँ, लेकिन व्लॉग को एंड करते करते लगभग शाम की 4 से 6 बजने को आई है, लेकिन अभी तक हमारे भाइयों के घर पे चलने में कोई ठिकाना नहीं, सब फोटो खींचने में लगे हुए। लगभग अब ये व्लॉग एंड ही होने वाला है, क्योंकि रात भी होने वाली है, और अब हम यहाँ से लगभग निकलने ही वाले। ए भाइयों, ए ए यार चलोगे यार, क्या नाटक है? चलो यार।
अब वापस लौटते हुए 3 बजे से बोल रहे हो शाम की 6 बजने अब लौटेंगे। वापस निकल रहे पूरी होगी तब हम यहाँ खाएंगे बांग। तो फिर सभी हमारे सभी भाई लोग घूम के वापस आ चुके। चलो भाई गाड़ी निकलना फटाफट, घर के लिए निकलना पड़ेगा, बहुत टाइम हो गया। चलो कैसा लगा सबको यहाँ के भाइयों? एकदम मजा आया। कितना एक नंबर लोकेशन था ये लेके घुमा कर दो। चलो बैठो अब टाइम हो गया, अच्छा जाना पड़ेगा। तो चलो फ्रेंड्स आज के इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि अब बहुत परेशान हो चुके हैं क्योंकि हम सुबह लगभग दोपहर में 3 बजे से आए। 12 बजे से घर से निकले थे लेकिन यहाँ आए तो 3 बजे। अच्छा लगा और हमारे दोस्तों को भी बहुत अच्छा लगा। हम वापस रवानगी की ओर है। और वासुदेव जी आपको कैसा लगा? अच्छा लगा भाई, पासवर्ड बेचने वाला वैसे। तो चलो फ्रेंड्स आज के इस ब्लॉग को हम यही पे एंड करते हैं, अब निकलने वाले घर पे। तो आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर देखिएगा। हमारे आने वाले तुम मर के हो। चलो भाई फ्रेंड्स टाटा बाय बाय जहां। तो फ्रेंड्स टाटा बाय बाय चाचा कोटा लोकेशन बास।